अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ोहेब अकरम खान, लेक्चरर फिज़िक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, खानेवाल। और टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फ़र्ज़ करते हैं कि एक पॉइंट पी पर, जो कि रेडियल डिस्टेंस आर पर मौजूद है पॉइंट चार्ज क्यू से, और इस पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वी इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, और ये इक्वेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर चुके थे। ई की वैल्यू और डी आर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और लिमिट्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और फाइनली हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है, जो कि बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अगर सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो तो क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस क्यू से, और यही इक्वेशन कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कंसिडर करें एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस, जो कि R1, R2, R3 से लेकर Rn के डिस्टेंस पर लोकेट कर रहे हैं इस पॉइंट P से, और इस पॉइंट P पर अब आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे हमने ऊपर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाला, सेम उसी ही तरीके से, और एंड में हम समराइज कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। सो V1, V2, V3 और Vn पोटेंशियल है पॉइंट P पर विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस, और उनको हम सम करके लिख लेते हैं, वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, और इन सब वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। बाकी इक्वेशन ब्रैकेट में कुछ यूं आ जाएगी। सो बाकी बच जाने वाली रकम को हम समीशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये पोटेंशियल निकल आएगा ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस का। बिल्कुल इसी तरह से आप पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम पोटेंशियल निकाला जा सकता है। इसी ही टॉपिक के रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्ज करें कि अर्थ, जिस पर नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 चार्ज पर m² हो, आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा और ई की वैल्यू आउटसाइड द सरफेस कितनी होगी। सो वी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अपने प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है टोटल चार्ज पर एरिया के, तो क्यू बराबर होगा एरिया स्फीयर का 4π r² इनटू चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू गिवन है 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ m². वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू की वैल्यू को रिप्लेस करके रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में बदलेंगे, वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के बाद पोटेंशियल अर्थ का बराबर होगा -0.12 volts के। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम स्फेरिकल प्रॉब्लम, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉल्व किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस अर्थ का आउटसाइड द सरफेस निकल आएगा -1.8 × 10⁻¹⁸ न्यूटन पर कॉलम। दूसरे प्रॉब्लम में एक स्फेयर का रेडियस गिवन है और पोटेंशियल भी गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, इक्वेशन हम जो अभी हमने ड्राइव की थी
अप्लाई करते हुए क्यू को सेपरेट कर लेंगे, बाकी वैल्यूज को कंप्यूट करके हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम थर्ड में एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप जिस पर चार्ज गिवन है और पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है, और इस बार रेडियस का पूछा गया है। सेम रेडियस के लिए आप आर को इधर और वी को इस साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास रेडियस निकल आएगा, बाकी सारे वैल्यूज गिवन है तो रेडियस बराबर आ जाएगा 5.4 × 10⁻⁴ मीटर।